हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। और हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड फर्स्ट 72 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दे रखी है। महोगनी इज़ अ नेटिव टू द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो महोगनी जो ट्री है ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का ट्री है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, कैक्टस प्लांट्स आर नेटिव टू द एरियाज ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन। अब देखो जो कैक्टस प्लांट्स है ना, ये डेजर्ट रीजन की वेजिटेशन है, ये हैवी प्रेसिपिटेशन में नहीं होती। ये कहाँ पे होती है, ड्राई रीजन में होती है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। फर ट्रीज आर फाउंड वाइडली इन अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन जो है ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। अब ये देखो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है तो फर ट्रीज यहाँ पे नहीं होते। जो फर ट्रीज है ये क्या है, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट में होते हैं, टुंड्रा टाइगर रीजन की वेजिटेशन है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। टी इज अ प्लांट ऑफ कूल ड्राई क्लाइमेट। टी के लिए वेट क्लाइमेट चाहिए, ड्राई क्लाइमेट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है ये भी रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, वन एलोन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सोशल फॉरेस्ट्री एम्स एट। अब सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना, वेस्ट नहीं करना, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना। तो सोशल फॉरेस्ट्री का एम क्या हो गया, अडॉप्टिंग मेजर्स फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉज्ड द रीसेंट डिप्लीशन ऑफ रेन इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बारिशें कम क्यों होती है आजकल, बारिशें पहले बहुत होती थी लेकिन अब कम हो रही है, क्यों, क्योंकि इंडोनेशिया में फॉरेस्ट फायर बहुत फ्रीक्वेंट हो गई है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। और डिफॉरेस्टेशन होएगी, पेड़ नहीं होएंगे तो रेन जो है ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, फॉरेस्ट फायर इन पीट बॉक्स इन मार्शी एरियाज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ ट्रीज बिलोंग्स टू कूल टेम्परेट हार्डवुड स्पीसीज। तो कौन कौन सी है कूल टेम्परेट हार्डवुड स्पीसीज, ये है इबोनी, ओक एंड पॉपुलर। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट क्या है, टाइगा रोजवुड। अब ये जो रोजवुड है ये टाइगा की स्पीसीज नहीं है, ये है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की स्पीसीज है, राइट, ये है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की। सेकंड, ट्रॉपिकल डिसीडियस मैपल। मैपल ट्रॉपिकल डिसीडियस की नहीं है, ये है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट की, राइट। तो ये वाली सी भी रॉन्ग है। सी, मेडिटेरेनियन ऑलिव। मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है वहाँ पे ऑलिव, सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, इस तरह के फ्रूट्स होते हैं। तो सी वाला जो है ऑप्शन सही है। सेल्वा महोगनी। महोगनी जो है ये कहाँ की वेजिटेशन है, कहाँ का ट्री है, महोगनी इक्वेटोरियल रीजन का है अगेन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, बैम्बू एंड पाइन ट्रीज आर जनरली फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। बैम्बू एंड पाइन ये कौन सी क्लाइमेट के ट्रीज है, ये है ट्रॉपिकल मॉनसून के ट्रीज। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। इन ईस्टर्न हिमालयाज द सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड बिटवीन द ऑल्टीट्यूड रेंजिंग बिटवीन 500 टू 1000 मीटर्स। ईस्टर्न हिमालय में जो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट होते हैं ये 500 से 1000 मीटर की हाइट पे मिलते हैं। बट अगर हम बात करें वेस्टर्न हिमालय की, तो वेस्टर्न हिमालय में जो ब्रॉड लीव फॉरेस्ट होते हैं वो मिलते हैं 1000 टू 2000 मीटर की हाइट पे, राइट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन ट्रीज विद लिस्ट टू वेजिटेशन टाइप। साल डिसीडियस ये कहाँ की वेजिटेशन है, ये है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट की। अकेशिया, अकेशिया कहाँ पे होता है, डेजर्ट रीजन में होता है। तो ये कहाँ की वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल ड्राई रीजन की वेजिटेशन है। सुंदरी ट्रीज, सुंदरी कहाँ पे होते हैं, सुंदरी ट्रीज ज़्यादातर जो होते हैं ये मार्शी एरियाज में होते हैं, सुंदरबन के जो है, राइट। तो ये सुंदरी ट्रीज कहाँ पे होते हैं, वेटलैंड्स में, लिटोरल एंड स्वैम्प में। जूनिपर एल्पाइन फॉरेस्ट के हैं। नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ मेडिट्रेनियन बायोम। मेडिट्रेनियन बायोम में कौन से होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, लाइक ऑलिव्स हो गया। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर, कॉक, ऑलिव एंड सिट्रस ट्रीज।
नेक्स्ट असर्शन रीजन, असर्शन क्या है, द टुंड्रा एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्यू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एंड एनवायरनमेंटल एलिमेंट्स। तो टुंड्रा जो एनवायरनमेंट है ना वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के जो कुछ एनवायरनमेंटल और क्लाइमेटिक एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, द टुंड्रा बायोम्स आर फाउंड इन आर्कटिक और अल्पाइन रीजन। टुंड्रा कहाँ पे होते हैं, पोलर रीजन में, तो वहाँ पे क्या है, आर्कटिक एंड अल्पाइन रीजन में होते हैं, आर्कटिक और अल्पाइन रीजन में। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है, बट ये दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, टाइडल फॉरेस्ट इज अदरवाइज कॉल्ड, टाइडल फॉरेस्ट को और क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। What is the percentage coverage of tropical forest on Earth's landmass? अर्थ के landmass पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कितनी परसेंटेज है? अब देखो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एवरग्रीन और एक होते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट। तो दोनों मिला के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है कितने हैं, 12% है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विथ टू रीजन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्वास, सेल्वास में किस टाइप की वेजिटेशन होती है, सेल्वास में होते हैं ट्रोपोफाइट्स। ट्रोपोफाइट्स कौन से, देखो ट्रोपोफाइट्स एपिफाइट्स मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ। ट्रोपोफाइट्स होते हैं जिनको समर्स में कम पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए, बट विंटर्स में इनको मॉडरेट मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। स्वानास क्या है, स्वानास ग्रासलैंड है और थोड़े बहुत वहाँ पे ट्रीज भी होते हैं, ठीक है। तो बी में आ जाएगी ग्रासेस एंड ट्रीज, ए का ए के साथ ही मैच हो जाएगा। मॉनसून लैंड, मॉनसून लैंड में होते हैं एपिफाइट्स, राइट। एपिफाइट्स क्या होते हैं, एपिफाइट्स जो प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं एपिफाइट्स। टुंड्रा रीजन में ज़्यादातर मॉसेस एंड लाइकन्स टाइप की वेजिटेशन मिलती है। नेक्स्ट, बायोम्स एंड स्पीसीज, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में कौन सी स्पीसीज होती है, सप्रूस की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रबड़ की स्पीसीज होती है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में साल की स्पीसीज होती है, एंड टेम्परेट फॉरेस्ट में ओक की। तो ये सारे एज इट इज ही करेक्ट है। नेक्स्ट, पाइन ट्री टिपिकल वेजिटेशन ऑफ, पाइन ट्रीज जो है ये कहाँ के वेजिटेशन है, ये है कॉनिफेरस फॉरेस्ट की वेजिटेशन है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मेकअप ऑफ द सॉइल अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सॉइल टेक्सचर में क्या चीज़ें होती है, सैंड सिल्ट एंड क्ले, तीनों चीज़ों के अकॉर्डिंग, तीनों चीज़ों का प्रोपोर्शन देखा जाता है जिसको बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। सेकेंड, द वे इन विच सैंड सिल्ट क्ले एंड ह्यूमस बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म पेट्स इज नोन एज सॉइल टेक्सचर, सॉरी सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, सॉइल स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है कि सैंड सिल्ट या क्ले या ह्यूमस ये कितना कितना है, वो किस हिसाब से आपस में मिक्सअप हुए हुए हैं, तो उसको बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल मॉइस्चर बजट इज द बैलेंस ऑफ वाटर इन द सॉइल, में कितना वाटर है वो क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर बजट। तो ये वाली स्टेटमेंट भी राइट है। अ ग्रुप ऑफ सॉइल फॉर्म डिफरेंट पेरेंट रॉक्स एंड हैविंग डिफरेंट हॉरिजॉन्स एंड सॉइल प्रोफाइल इज नोन एज सॉइल सीरीज। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे गलत हो जाती है, सॉइल प्रोफाइल को सॉइल सीरीज नहीं कहते। सॉइल सीरीज क्या होती है, अलग अलग टाइप की जो सॉइल्स होती है उसको बोलते हैं सॉइल सीरीज, सॉइल प्रोफाइल को सॉइल सीरीज नहीं बोला जाता, राइट। तो ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द टाइगर बायोम स्ट्रेचेस अक्रॉस द लार्ज पार्ट्स ऑफ कैनेडा यूरोप एंड एशिया। अब कैनेडा यूरोप एंड एशिया का जो नदर्न पार्ट है वहाँ पे टाइगर टाइप की वेजिटेशन है, टाइगर बायोम्स है, राइट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है, टाइगर इज द लार्जेस्ट बायोम इन द वर्ल्ड, ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखो जो लार्जेस्ट बायोम है ना वो है मरीन बायोम, मरीन बायोम इज द लार्जेस्ट बायोम इन द वर्ल्ड। बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंट्स पे टाइगर लार्जेस्ट बायोम है, बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कि कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है ओशियंस की। तो ऑल ओवर पूछा गया है कि कौन सा लार्जेस्ट बायोम है, तो ऑल ओवर जो लार्जेस्ट बायोम है वो है मरीन बायोम, राइट। यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड, अ लॉट ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज ग्रो इन टाइगा, टाइगा पे कॉनिफेरस टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, तो ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो 1-3 सही है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट,
ट्रैवलिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, व्हाट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेजिटेशन टाइप यू वुड इनकाउंटर। अब देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी में अक्सर कर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो किस टाइप की वेजिटेशन आएगी, या फिर कोई भी आपको सिचुएशन दे देंगे कि आपने राजस्थान से ट्रैवल करना शुरू किया, आप असम जा रहे हो, तो बीच में कौन कौन से टाइप की वेजिटेशन आपको मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वेटर से पोल की तरफ देखना है। इक्वेटर पे क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अब इक्वेटोरियल तो यहाँ पे है नहीं है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाएगा सबसे पहले, फिर डेजर्ट स्क्रब्स आ जाएंगे, और बिल्कुल पोल्स पे क्या आ जाएगा, टुंड्रा या टाइगर टाइप की वेजिटेशन। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एंड इजी एक्सप्लॉयटेशन की टर्म्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है फॉरेस्ट की, वो क्या है, वो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट में लंबरिंग भी अक्सर कर देखने को मिलती है, राइट। बट अगर आप, पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें इन्होंने कंपेयर किया था इक्वेटोरियल एंड मानसून फॉरेस्ट को, वहाँ पे कॉनिफेरस का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वहाँ पे जो आंसर था वो मानसून फॉरेस्ट था। इक्वेटोरियल और मानसून में से मानसून फॉरेस्ट ज़्यादा वैल्यूएबल है, बट अगर हम इनमें से कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी देखें, ओवरऑल फॉरेस्ट की बात करें, तो ओवरऑल जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एंड ईजी एक्सप्लॉयटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग एरियाज, ओरिनोको बेसिन इन साउथ अमेरिका, ज़ायरे बेसिन इन अफ्रीका, न्यू गिनिया, इस्थमस ऑफ सेंट्रल अमेरिका, विच ऑफ द अबव सेड एरियाज हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरियाज में ही होएगा, कॉमन सेंस की बात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। तो यहाँ पे अगर आपको मैप के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, तो आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि अगर हम मैप पे देखें तो अफ्रीका का जो ज़ायरे बेसिन है इक्वेटर के पास है, न्यू गिनिया अगेन इक्वेटर के पास में है, इस्थमस ऑफ सेंट्रल अमेरिका ये भी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आ जाता है, बट अगर हम बात करें ओरिनोको बेसिन इन साउथ अमेरिका की, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में आता है, ट्रॉपिक्स के बीच में नहीं आता। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 2, 3 और 4 आएगा, तो ऑप्शन सी आएगा आंसर। नेक्स्ट, अ जियोग्राफिकल एरिया विद एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 400 meters हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे मंथ दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सारा दिसंबर तक। तो अब ये जो 12 के 12 महीने यहाँ पे दे रखे हैं, इनका नीचे मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है हर मंथ का। जनवरी का मैक्सिमम टेम्परेचर है 31 degrees Celsius, फरवरी का है 31, मार्च का 31 degrees Celsius, अप्रैल का 31 degrees Celsius, मई का 30 degrees, जून का 30 degrees, इस तरह से पूरे के पूरे 12 महीने का यहाँ पे टेम्परेचर है। बट अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम टेम्परेचर दिखने को मिल रहा है, ठीक है, 31, 30, 29, 30, 31, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन टेम्परेचर में नहीं आ रही। मिनिमम टेम्परेचर देखेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सेम है, 20, 21 के बीच में ही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे साल का टेम्परेचर सेम आ रहा है यहाँ पे। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल अगर आप देखोगे ना, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों में कम हो रही है, बाकी के मंथ्स में रेनफॉल ज़्यादा है इन 3 महीनों के कंपैरेटिवली। तो ये जियोग्राफिकल एरिया बताना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी आईएएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमने जियोग्राफिकल एरिया बताना है कि ये कौन से एरिया के नेचुरल फॉरेस्ट है जहाँ पे इस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, ऑल्टीट्यूड कितना है 400 meters का। तो ये वाला जो क्लाइमेट है, ये है माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एरिया, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट, इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, दिस इज बिकॉज। अब देखो, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाए तो ये जल्दी जल्दी रिजनरेट नहीं करेंगे, यहाँ पे दोबारा घने जंगल उगाना मुश्किल हो जाएगा। बट उसके उल्टा अगर हम ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को काट देना, तो वो जल्दी जल्दी उग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल है ना, ये इनफर्टाइल सॉइल है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल की वजह से क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीचिंग हो जाती है उनकी। तो इसीलिए यहाँ की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, इनफर्टाइल सॉइल होती है, जिसकी वजह से
ये जल्दी जल्दी रीजनरेट नहीं होते। दूसरी तरफ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, अब एक ड्राई सीजन होता है जहाँ पे प्लांट्स अपने पत्ते झाड़ देते हैं, उससे क्या होता है सॉइल को ह्यूमस मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, ज़्यादा बारिशें भी नहीं होती, होती है रेनफॉल बट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, तो वहाँ की जो सॉइल होती है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।